लिट्टी चोखा को बिहार का व्यंजन माना जाता है। बिहारी पहचान वाले इस व्यंजन को लोग चाव से खाते हैं। यहाँ के लोगों ने इसे दूसरे राज्यों में भी फैलाया है। लेकिन क्या आपको लिट्टी चोखा का इतिहास मालूम है? स्वागत है आपका हमारे चैनल इनक्रेडिबल बिहार में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिट्टी चोखा के इतिहास के बारे में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लिट्टी चोखा के स्टॉल हर शहर में दिख जाते हैं। लिट्टी चोखा खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है, ये सेहत के लिए भी फायदेमंद है। गेहूं के आटे में सत्तू को भरकर इसे आग पर पकाया जाता है, फिर देसी घी में डुबोकर इसे खाया जाता है। जिन्हें कैलोरी की फिक्र है वो बिना घी के डुबोए लिट्टी को खा सकते हैं। तला भुना नहीं होने की वजह से ये सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। बिहार का ये व्यंजन राजस्थान के बाटी चूरमा की तरह है। बिहार में ये खासा लोकप्रिय है, इसे बनाना भी आसान है और ये पौष्टिक भी है। लिट्टी चोखा का इतिहास दिलचस्प है। इसका इतिहास मगध काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि मगध साम्राज्य के दौरान लिट्टी चोखा प्रचलन में आया। बाद में ये मगध साम्राज्य से देश के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगा। मगध बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जिसे आज बिहार की राजधानी पटना के तौर पर जाना जाता है। लिट्टी चोखा का जिक्र मुगल काल में भी मिलता है, लेकिन इस दौर में इसका स्वाद बदल गया। मुगल काल में मांसाहार ज्यादा प्रचलित था। इस दौर में लिट्टी के साथ शोरबा और पाया खाने जाने का प्रचलन शुरू हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन के दौरान भी इसमें तब्दीली आई। अंग्रेजों ने अपने पसंदीदा करी के साथ लिट्टी का स्वाद लिया। जैसे जैसे वक्त बदलता गया, लिट्टी चोखा को लेकर नए नए प्रयोग भी होते गए। लिट्टी चोखा को युद्ध का खाना भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही युद्ध के दौरान सैनिक खाने के सामान के तौर पर लिट्टी लेकर चलते थे। लिट्टी की खासियत है कि ये जल्दी खराब नहीं होता है, इसे बनाना भी आसान है और ये काफी पौष्टिक भी होता है। 1857 के विद्रोह में सैनिकों के लिट्टी चोखा खाने का जिक्र मिलता है। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने इसे अपने सैनिकों के खाने के तौर पर चुना था। इसे फूड फॉर सर्वाइवल कहा गया है। इसे बनाने के लिए किसी भी बर्तन की जरूरत नहीं है। इसमें पानी भी कम लगता है और ये सुपाच्य और पौष्टिक भी होते हैं। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी की लिट्टी चोखा खाते हुए तस्वीरें वायरल हुई। सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग इसे शेयर करने लगे। बिहारी पहचान वाले लिट्टी चोखा खाते हुए पीएम मोदी की तस्वीरों के राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे। तो कुछ लोगों ने तस्वीरें शेयर करते हुए इसे बिहार के गौरव की तरफ पेश किया। आज के इस वीडियो में इतना ही। नीचे हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।